गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम इन योर साइंस क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज पार्ट ई, क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन वन, माय बॉडी. यस स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करेंगे पार्ट ई के क्वेश्चन आंसर. लास्ट वीक हमने पार्ट ई के क्वेश्चन आंसर रिवाइज किए थे. सो लेट्स स्टार्ट. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज लीस्ट फाइव गुड हैबिट्स दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ एट द टाइम ऑफ ईटिंग फूड. हाँ जी बेटा, देखिए क्वेश्चन क्या है. पांच गुड हैबिट्स बतानी है जो हमें खाना खाते हुए ध्यान में रखनी चाहिए. ठीक है, तो वो गुड हैबिट्स कौन कौन सी हैं? योर आंसर इज फाइव गुड हैबिट्स आर वी शुड वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, कि खाना खाने से पहले हमें अपने हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए. वी शुड च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलविंग. स्वेलविंग होता है बेटा निगलना, कि हमें खाना निगलने से पहले अच्छी तरह से चबाना चाहिए. ठीक है, च्यू होता है चबाना. वी शुड नॉट स्पीक व्हाइल च्यूइंग फूड, कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें नहीं बोलना चाहिए. वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे, कि हमें ग्रीन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रोज़ खाने चाहिए. वी शुड टेक ए बैलेंस्ड डाइट डेली, और हमें जो है बैलेंस्ड डाइट डेली लेनी चाहिए. ठीक है, बैलेंस्ड डाइट में बेटा सारी चीज़ें जाती हैं, जैसे मिल्क है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट आइए बेटा. क्वेश्चन नंबर टू इज नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन द माउथ, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जो माउथ में प्रेजेंट हैं उनके नाम बताने हैं. ठीक है, आल्सो मेंशन देयर फंक्शंस, और उनके फंक्शंस भी बताने हैं. ठीक है, तो आंसर क्या है बेटे? टाइप्स ऑफ टीथ, जो टीथ हैं वो कितनी तरह के हैं? तीन तरह के, फ्लैट टीथ, पॉइंटी टीथ, ब्रॉड एंड ग्रोव टीथ. ठीक है, अब पॉइंटी टीथ जो हैं इनका फंक्शन क्या है? दीज टीथ आर यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड, कि इन टीथ से हम क्या करते हैं? बाइट और खाने को कट करते हैं. ठीक है, सेकंड है पॉइंटी टीथ. दीज टीथ आर यूज फॉर टीयरिंग द फूड, कि इन टीथ से हम खाने को तोड़ते हैं. थर्ड है ब्रॉड एंड ग्रोव टीथ. दीज टीथ आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, और इन टीथ से हम क्या करते हैं? च्यू एंड ग्राइंड करते हैं फूड को. ठीक है, तो ये थे बेटा टू क्वेश्चन आपके. ठीक है, आपने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर वन और टू जो आज हमने रिवाइज़ किए इनको लर्न करना है, और यही आपका होमवर्क है. इज़ इट क्लियर? ओके, थैंक यू स्टूडेंट.